आयरन और कैल्शियम दो ऐसे मुख्य तत्व होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जो वो आयरन की टैबलेट लेती है, आयरन की गोलियां खाती है, उस आयरन की गोलियों का जो कलर होता है, क्या उस कलर का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान जो वो आयरन की टैबलेट लेती है, आयरन की गोलियां खाती है, उस आयरन की गोलियों का जो कलर होता है, क्या उस कलर का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है जो माँ के गर्भ में पल रहा है? क्योंकि मेरे पास भी ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जिनका ये साधारण सा सवाल रहता है कि मैडम, जो हम ये दवा ले रहे हैं, आयरन की गोलियां ले रहे हैं, इसका जो कलर है क्या ये बच्चे को भी प्रभावित करेगा? तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। वैसे तो पहले क्या था कि पहले लोग इतने एजुकेट नहीं थे, पहले इतने ज्यादा संसाधन भी नहीं थे कि लोग आसानी से चीजों को समझ सके और हम उनको समझा सके। लेकिन अभी क्या है कि कम्युनिकेशन का इतना अच्छा जरिया हो गया है कि हम अपनी चीजों को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो आयरन सप्लीमेंट होता है, इसकी बहुत अधिक नीड होती है जब कोई भी महिला गर्भवती होती है उस दौरान। आयरन और कैल्शियम दो ऐसे मुख्य तत्व होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में तो इसकी वजह से जो माँ का स्ट्रक्चर होता है, माँ का जो शारीरिक संरचना होती है, उस पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसके भी हड्डियों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। वहीं पे अगर आयरन की कमी हो जाए तो माँ के शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और अगर खून की कमी होगी तो बच्चे को भी कुपोषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा, बच्चे का शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो आयरन होता है ये हीमोग्लोबिन बनने में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बनेगा, ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। बच्चे को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, और ब्लड के थ्रू ही बच्चे को ऑक्सीजन भी मिलता है। अब अगर बच्चे को ब्लड अच्छे से नहीं मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन भी अच्छे से नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी तो उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो भी अच्छा नहीं हो पाएगा। जो उसकी सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, बॉडी के ऑर्गन होते हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो माँ होती है वो एनीमिया की शिकार हो जाएगी। तो अगर शरीर में ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो इसकी वजह से कभी कभी माँ का जो बच्चा है वो एबॉर्ट हो जाता है, समय से पहले ही वो खराब हो जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी भी हो जाती है। मतलब जो गर्भावस्था का समय है उसके पहले ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, और कई बार तो बच्चे जन्मजात कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, विकृतियां होती हैं जिनको लेके पैदा होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उस दौरान जब बच्चा गर्भ में था माँ ने ध्यान नहीं दिया, उसको ये भ्रम था या फिर वो ऐसा सोचती थी कि अगर मैं इन गोलियों का सेवन करती हूँ तो इसकी वजह से मेरे बच्चे का जो कलर है वो इन गोलियों की तरह ही डार्क कलर का हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक भ्रम है। अगर कोई भी महिला गर्भावस्था के दौरान इन गोलियों का सेवन करती है, आयरन की गोलियों का सेवन करती है, तो उसके कलर का उसके बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ माँ के शरीर में जो आयरन की आवश्यकता होती है उसको पूरा करती है, जिसकी वजह से माँ को एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो। क्योंकि अगर माँ को दिक्कत होगी तो बच्चे को 110% दिक्कत होगी। इसीलिए जब कोई भी महिला गर्भवती होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको आयरन सप्लीमेंट देते हैं। अब ये आयरन सप्लीमेंट या तो वो सिरप के रूप में दे सकते हैं या फिर गोलियों के रूप में दे सकते हैं। बहुत से डॉक्टर होते हैं जो बताते हैं कि आप अपने खाने में इन चीजों को शामिल करें। जैसे वो बोलते हैं कि आप अपने खाने में चने का यूज कर सकते हैं, गुड़ का यूज कर सकते हैं, मूंगफली का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अनार ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। इन सब की वजह से जो आयरन की आवश्यकता है हमारी बॉडी को वो पूरी हो जाती है। तो आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जब कोई महिला गर्भवती होती है उस दौरान। आप उसको गोलियों के थ्रू ले सकते हैं या फिर अपने खाने के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो छोटे छोटे संक्रमण होते हैं उससे भी व्यक्ति बचा रहता है। जब एक महिला गर्भावस्था के स्टेज में रहती है तो उस दौरान उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव
बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम सामने से देखें तो फिजिकली भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि उसका पेट बाहर निकल आता है क्योंकि उसके गर्भ में क्या है, बच्चा है। उसकी जो बैक बोन होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। इसी तरह से जो उसके ब्रेस्ट का साइज होता है वो बढ़ जाता है। महिला के सोचने समझने की जो क्षमता होती है, फिर जो उसका इमोशनल बिहेवियर है वो भी बहुत हद तक चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको देखने को मिलती हैं, और इस दौरान एक महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होती है, क्योंकि उस दौरान बहुत से ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको होने का रिस्क बहुत अधिक रहता है। क्योंकि गर्भावस्था के जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उस दौरान महिलाओं को बहुत अधिक दिक्कत होती है। उनके शरीर में जो HCG होता है, जिसको हम ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, इसका लेवल बढ़ जाता है, और इसकी वजह से उनको बहुत अधिक उल्टी होती है, जी मिचलाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, कच्ची डकारें आती हैं, उनको जलन जैसा महसूस होता है गले में। तो ये छोटे छोटे लक्षण जो देखने को मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है, और बहुत महिलाओं में ये लंबे समय तक भी चलता है। तो उनको अपने खान पान का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको जो पोषण मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, माँ से मिल रहा है। और किसके द्वारा मिल रहा है, माँ के ब्लड के द्वारा मिल रहा है। तो माँ जो चीजें खाएगी, एक महिला गर्भावस्था के दौरान जो चीजें खाएगी, जितनी ज्यादा हेल्दी चीजें खाएगी उसका बच्चा भी उतना ही हेल्दी होगा। क्योंकि अगर वो ऐसी चीजें खाती, जैसे अगर वो हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा सेवन करती है, फल अधिक मात्रा में लेती है, पानी अधिक मात्रा में पीती है, न्यूट्रिशियस चीजें अधिक मात्रा में लेती है, तो इसकी वजह से जो भी पोषक तत्व है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और फिर वो बच्चे तक पहुंचेगा, और उसका जो बच्चा होगा वो हर तरह से हेल्दी होगा। तो किसी भी महिला को अगर ये भ्रम है कि जब वो गर्भावस्था के दौरान है उस दौरान उसको आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, आयरन की गोलियां नहीं लेना चाहिए, तो उसको अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल देना चाहिए। क्योंकि हर महिला को जैसे वो गर्भवती होती है उसके शरीर में आयरन की नीड बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाता है, और अगर उस दौरान उसने आयरन सप्लीमेंट नहीं लिया तो फिर वो एनीमिया की शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से आगे उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कभी कभी तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं होती, फिर वहां पे ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, सीजन सेक्शन करवाना पड़ता है, जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है फीमेल्स के लिए। आई होप कि आज की वीडियो से आपका ये डाउट जरूर क्लियर हो गया होगा कि अगर आप गर्भावस्था के स्टेज में हैं तो आप जो भी आयरन सप्लीमेंट ले रही हैं वो आपके बच्चे के रंग पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे अभी लोग आते हैं जिनका ये कहना रहता है कि अगर वो साग का सेवन करती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करती हैं, जैसे अगर वो पालक का साग खाती हैं, बथुए का साग खाती हैं, मेथी का साग खाती हैं, तो उसके कलर की वजह से जो बच्चा होगा उसका कलर भी डल होगा। तो ये क्या है, ये भी एक भ्रम है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे के कलर के ऊपर। इसलिए आप निश्चिंत रहें, और जो भी पोषक तत्व वाली चीजें हैं, जो भी आयरन रिच डाइट है, उनको अपने खाने में शामिल करें, जिससे आप भी हेल्दी हो और आपका बच्चा भी हेल्दी हो। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।